दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में मैं एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ही महत्वपूर्ण सेना भर्ती की अग्निपथ योजना के संबंध में चर्चा करेंगे। सरकार की इस पहल की स्वागत होना चाहिए, परंतु कुछ स्टेट विशेषकर बिहार में इसका काफ़ी विरोध हो रहा है। विरोध का कारण समझे बिना विरोध करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि सरकार की अग्निपथ योजना है क्या। सरकार की अग्निपथ योजना सरकार की सेना के तीनों अंगों में, आर्मी, थल सेना, जल सेना और नेवल, तीनों के में सैनिकों की बहाली की एक योजना है और ऐसे बहाल किए गए सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। चूँकि पिछले दो सालों से सेना में कोई बहाली नहीं हुई है कोरोना के कारण, इस साल सरकार 46,000 सैनिकों की बहाली करने जा रही है इस नई योजना के अंतर्गत, अग्निपथ योजना के अंतर्गत, और चुने गए सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। नया नामकरण है और ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म योजना है, चार साल की ही पूरी योजना है। इस योजना में चुने गए अभ्यर्थियों को 10 सप्ताह से 6 महीने का पूर्ण ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत 3.5 वर्षों तक विभिन्न अंगों में इनकी सेवाएं ली जाएगी और इस 4 साल के इंक्लूडिंग प्रशिक्षण के अवधि में भी इन्हें पूर्ण तनख्वाह दी जाएगी। और वो किस प्रकार से उनको दिया जाएगा तनख्वाह, इसमें मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। जो वेतन होगा वो फर्स्ट ईयर 30,000 रुपये प्रति मंथ का होगा, सेकेंड ईयर 33,000 रुपये प्रति मंथ का होगा, थर्ड ईयर 36,000 रुपये प्रति मंथ का होगा और फोर्थ ईयर 40,000 रुपये प्रति मंथ का होगा। इस प्रति मंथ के वेतन में सरकार ने एक प्रावधान रखा है 30% डिडक्शन का। 30,000 के वेतन में 30% मतलब 9,000 रुपये डिडक्ट कर लिए जाएंगे और 21,000 रुपये उनको प्रति मंथ दिए जाएंगे। 9,000 रुपये जो डिडक्शन होगा उसमें सरकार स्वयं 9,000 रुपये मिलाकर 18,000 रुपया प्रति माह डिपॉजिट करेगी। पुनः द्वितीय साल 10% तनख्वाह की बढ़ोतरी होगी और 35,000 रुपये उनको तनख्वाह हो जाएंगे, जिसका 10% डिडक्शन होगा। और 10% डिडक्शन का मतलब 9,900 रुपये उनका डिडक्शन होगा और सरकार भी 9,900 मतलब 19,800 रुपये प्रति माह उनका जमा होगा और उनको 23,000 रुपये प्रति माह उनको वेतन के रूप में दिया जाएगा। तीसरे साल 10% के बढ़ोतरी से 36,000 रुपये उनके वेतन होंगे और उस वेतन से 10% के डिडक्शन पर 10,800 रुपये प्रति माह का डिडक्शन होगा, सरकार भी 10,800 रुपये देगी। इस प्रकार 21,600 रुपये प्रति माह उनके जमा होंगे और उनको 25,500 रुपये प्रति माह उनको तनख्वाह के रूप में दी जाएगी। चौथे वर्ष 10% के बढ़ोतरी से 40,000 रुपये उनके प्रति माह की तनख्वाह हो जाएगी, जिसमें 30% के डिडक्शन से मतलब 12,000 रुपया प्रति माह उनका डिडक्शन हो जाएगा और उस 12,000 पर सरकार पुनः 12,000 मिलाकर 24,000 रुपये प्रति माह उनके नाम से जमा करेगी और उस सैनिक को 28,000 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलेगा। ये हो गया उनका वेतन का स्ट्रक्चर। अब आप देखें कि 30,000 में 21,000 रुपया प्रति माह फर्स्ट साल मिला, इस प्रकार पहले साल 252,000, दूसरे साल में 33,000 में 23,000 प्रति माह मिला, 276,000, तीसरे साल में 36,000 में 25,580 रुपया मिला, पूरे साल में 306,960, चौथे साल में 40,000 में 28,000 मिला, पूरे साल में 336,000 मिला। टोटल 4 साल में तनख्वाह के रूप में 11,70,000 लगभग 12,00,000 रुपये तनख्वाह मिले और
इन चारों सालों में इम्प्लाई का डिडक्शन 30% और सरकार का उसमें उतना ही कंट्रीब्यूशन मिला करके भी जो हो रहा है वह भी हो रहा है 10,08,000, जिस पर ब्याज के बाद 11,71,000 सरकार चौथे साल के बाद देगी। मतलब इन टोटल सैलरी के रूप में भी लगभग 11,71,000, मतलब 12,15,000, और आप 4 साल के बाद एक मुश्त उसको पीएफ का लें जो का लें 12,15,000 रुपया, मतलब इन टोटल 23,42,000, 23-24 लाख रुपये सरकार 4 साल में एक एम्प्लाई एक सैनिक को दे रही है। अब प्रश्न ये है कि सरकार के पास अगर वैकेंसी नहीं और वैकेंसी अगर मिल रही है तो उस अवसर का उपयोग करना है कि विरोध करना है, और इस योजना के अंतर्गत भर्ती होने वाले रिक्रूट का एज 17.5 वर्ष से 21 साल का ही होगा, 21 साल से ऊपर के कोई भी व्यक्ति इसमें एंट्री नहीं ले सकता है, उसकी बाइल नहीं की, और वो 10वीं से 12वीं पास ही विद्यार्थी होगा। इस प्रकार 17.5 से 21 वर्ष का विद्यार्थी जो 10वीं से 12वीं क्लास पास है उसको एक वेल इक्विप्ड ट्रेनिंग के बाद 3.5 सालों तक सरकार ही करेगी, और 4 साल कंप्लीट होने पर 12,15,000 रुपया दे करके उसको फ्री कर दिया जाएगा। परंतु इसके साथ सरकार ये कह रही है कि उस वेल ट्रेंड स्टाफ को हम आगे असम राइफल्स या सेंट्रल रिजर्व पुलिस में भर्ती में उनकी वरीयता रहेगी। जाहिर सी बात है ये स्किल्ड और ट्रेंड और प्रशिक्षित जो सैनिक होंगे उन्हीं को वरीयता मिली, फ्रेश को कैसे मिलेगी, तो इनसे उनको फ्यूचर में भी नौकरी की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि नौकरी कब तक हो रही है, 21 साल तक की अपॉइंटमेंट ही है, 4 साल नौकरी किया, 25 साल में बाहर अगर हो गए तो 25 साल उम्र की क्या होती है, उसके बाद भी तो अभी नौकरी की पूरी अपार संभावनाएं पड़ी हुई है। वो गवर्नमेंट खुद कह रही है कि असम राइफल्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस में हम देंगे, इसके अलावा भी ट्रेंड सैनिक की बहुत सारी उपयोगिता देश में है, तो उनके पास बहुत सारे संभावनाएं हैं। यह विरोध करने का यह मुद्दा नहीं, विरोध करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, आप करें, आप कह दिया प्रजातांत्रिक प्रणाली में विरोध एक अधिकार है, परंतु विरोध का मुद्दा क्या होना चाहिए ये देखना है। विरोध प्रदर्शन में सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान, आप शायद समझ नहीं रहे हैं कि सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान सरकार का नुकसान नहीं आपका नुकसान है। अगर महंगाई बढ़ती है तो इसके पीछे ये सारे कारण भी है, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान आपका नुकसान है, देश की जनता द्वारा दिया गया कर के पैसे से सारे चीज़ नहीं मिलते। अगर आप किसी प्राइवेट बस या ट्रक को जला रहे हैं तो उस ओनर को तो इंश्योरेंस से पैसे मिल जाएंगे, पर इंश्योरेंस का पैसा है किसका, जनता का पैसा, उसके टैक्सेस का पैसा है। तो आप शायद समझने में भूल कर रहे हैं कि आपका विरोध कहाँ होना चाहिए, विरोध आपका निश्चित हो। बोर्ड की परीक्षाएं समय पर क्यों नहीं हो रही है, यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं समय पर क्यों नहीं हो रही है, उसका रिजल्ट समय पर क्यों नहीं हो रही है, क्यों विद्यार्थियों का समय क्यों खराब हो रहा है, जो परीक्षा 20 साल में पास की जानी चाहिए वो 23 साल लग जाते हैं, 22 साल लग जाते हैं, ये सब मुद्दे हैं। और एक और बात मेरे को समझ में आई है कि विद्यार्थियों का कहना है कि अगर MLA MP की नौकरी या उनका टर्म 5 साल का होता है तो ये नौकरी कौन सी है 4 साल की, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपका कहना बिल्कुल सही है। विरोध के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, MLA MP को पेंशन मिलना ही क्यों चाहिए, और उस स्टेज में जो MLA होकर के MP भी हो गया तो MLA का भी पेंशन पा रहा है, MLA MP होने के बाद रिटायर उसका भी पेंशन पा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट में या उसके नीचे के और भी अगर कोई चुनाव जीत कर गया उसका भी पेंशन पा रहा है, एक एक व्यक्ति 3-3 पेंशन पा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इन सारे पेंशनों को खत्म कर दिया, निश्चित रूप से आपका विरोध जो है का मुद्दा सही होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसमें सेना के भर्ती की अग्निपथ योजना में आपको अवसर का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे संभावनाएं दिखाई पड़ती है, 4 साल में 24 लाख रुपया लगभग एक व्यक्ति को तो मिल रहा है, उसके बाद
आपकी संभावनाएं खुल जाती है और आगे के लिए आप ट्रेन व्यक्ति हो जाते हैं, सेना के ट्रेन व्यक्ति। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। इसमें अगर आप चाहें तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात, आप ये भर्ती बहुत जल्द होने वाली है और इसके लिए आप joinindiaarmy.nic.in, joinindianavy.government.gov.in, careerindiaairforce.cdac.in इस तीनों पर जाकर इसका और डिटेल्स आप जानकारी करें और अप्लाई करें, देखें अपना भविष्य। थैंक यू, पुनः अगले वीडियो में।